ट्रेलर हमने देखा, काफी मैंने रुलाने जैसा ट्रेलर है, क्योंकि जब आपसे भी जानना चाहूँगा सर, जब एक नॉर्मल इंसान, कॉमन इंसान जब अपने घर को बहुत ही, खास करके मुंबई जैसे शहर की मैं बात करूँ, दिल्ली में बात करूँ, अपने घर को बहुत ही प्यार से बनाता है और उसके बाद सडनली ये कोर्ट से ऑर्डर आता है कि भाई अब आपको ये घर छोड़ना है, क्या फीलिंग होती है उस कॉमन इंसान की, जब एक तरह से हम कह सकते हैं कि रोड पर आ जाने वाली बात हो जाती है, क्या टेक होता है ऐसे में? इसका दर्द सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके ऊपर गुजरी है। जो ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज शुरू हो रही है होम, उसका नज़ारा, इस फीलिंग का नज़ारा, इसकी ट्रेजडी, ये कैरेक्टर्स किस मिजरी से गुजरते हैं, उनकी लाइफ में क्या होता है, ये सब आपको होम में देखने को मिलेगा। जिन लोगों के घर उस तरह से लुटे हैं या जिन लोगों ने इस तरह की प्रॉब्लम फेस की है अपनी लाइफ में, वो समझ सकते हैं कि क्या होता है उसका दर्द जब आपका घर आपके हाथ से छिनने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे एक्टर सर, आप मानते कितना सही है ये, जब हम एक इंसान ने तो अपनी पसीने, खुद पसीने की कमाई करके बिल्डर को पैसे दिए हैं, अपनी जगह वो तो सही है, लेकिन जब ऐसे कोर्ट का ऑर्डर आता है कि भाई आपको घर छोड़ना है, क्या मानते हैं भाई? कोर्ट ने देखा, कोर्ट ने देखा कि कोर्ट में किसी ने पिटीशन किया कि ये जो बिल्डिंग है इलीगल लैंड पर है, ये इलीगल बिल्डिंग है, तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया इलीगल है तो खारी करवाइए, आप समझिए। लेकिन ये इलीगल लैंड था, कसूरवार वो बिल्डर था, बिल्डर को परमिशन देने वाले वो अफसर थे, और अफसरों को पैसे देने होते हैं मंत्रियों को, लेकिन फंसा कौन? आम आदमी जिसने पैसा देके घर खरीदा था, तो वो तो हमेशा सफर करता है, और स्पेशली हमारे जैसे देश में जहां हमने ऐसा समाज का ढांचा बनाया जहां पे ईमानदार आदमी को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये ट्रेजेडी आपको, ये सफरिंग्स देखने को आपको मिलेंगी इस होम सीरीज में। कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने आपको ढेरों सारे फिल्मों में देखा है, ढेरों सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर में देखा, अब वेब सीरीज में आप आ रहे हैं? नहीं, वेब सीरीज में आने तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसका प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। हाँ, प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, मेरे लिए एज एन एक्टर कुछ डिफरेंट नहीं था, मुझे उतना ही काम करना था, उतना ही टाइम देना था, वैसे ही डायलॉग बोलने हैं, लेकिन जो शाहकार बना है उसमें जो कॉन्सेप्चुलाइजर होता है, जो स्क्रिप्ट राइटर होता है, और जहाँ पे ये प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो अलग हो गया है। अलग होने की वजह से उसके इम्पैक्ट डिफरेंट हो जाते हैं, उसके लॉजिस्टिक्स अलग हो जाते हैं। तो ये कहना कि आपको वेब सीरीज में कैसा लगा आके, ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा हमने काम किया वैसे ही काम किया। डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं सर आपके? नहीं, हर लाइफ का हर एक्सपीरियंस डिफरेंट एक्सपीरियंस है। सो ये सोचना कि वेब सीरीज में आके कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ हो, 36 साल के बाद हर एक्सपीरियंस डिफरेंस डिफरेंट हो जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि मुझे कैसा लगा, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत के बाद एक काम आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, वो काम आपको कैसा लगेगा। हमें अच्छा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, तो हमारी तो मेहनत गई ना, हम तो बर्बाद हो गए, लेकिन हमें अच्छा लगा या ना लगा, आपको अच्छा लगा, वही इंपॉर्टेंट है। जब सबसे पहले आपको बताया गया इस कैरेक्टर के बारे में एकता जी की तरफ से या फिर ऑल्ट बालाजी की तरफ से, क्या डर था आपको कि इस तरह का कैरेक्टर करने के लिए कितना? नहीं, देखिए ऐसा है कि लगा कि इट्स वर्थ डूइंग तो कर लिया। फीडबैक का आप जाने, फीडबैक का कहूँगा तो बहुत कमाल का फीडबैक है। एकता कपूर और उनकी कंपनी को मैं बहुत गट्सी, जैसे कि गट्स वाली और रिस्क वाला, के डिजिटल का प्लेटफॉर्म एक खास तरह के रस को लेके चलता है, उस रस के अंदर ये सेंसिटिव सब्जेक्ट को लाना जहाँ पे कोई उस तरह का सेक्स और वायलेंस नहीं है, बहुत गट्स का, बहुत बहादुरी का काम है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मेरी गुड विशेज उनके साथ हैं कि कार्यक्रम
एक ये जो शो है होम, वो एक नए आयाम के साथ ऑल्ट बालाजी को एक डिफरेंट पेडस्टल पर पहुंचा सकता है और पहुंचाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ओवरऑल और भी कई सारे एक्टर हैं इस फिल्म में, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका होता है जब भी और आपकी फिल्म में या शॉर्ट फिल्मों में या कोई भी प्लेटफॉर्म में और भी कैरेक्टर होते हैं आपके साथ? बहुत अच्छा, मैं तो सबके साथ घुल मिल कर रहता हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगेन मेरा एक्सपीरियंस किसके साथ क्या रहा है इसको मैं, ये बहुत ही पर्सनल सी चीज है, मैं वो ट्विटर वाला आदमी नहीं, नहीं शूटिंग के दौरान सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ठीक ठाक नहीं भी रहा तो मैं आपको क्यों बताऊं? दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच अ पर्सन लाइक मी वुड नॉट लाइक टू शेयर। ये ट्विटर की या वेब वर्ल्ड की जो दुनिया है जहां हर आदमी बताने लगता है कि मैं अभी वहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, और उसके बाद रोते हैं कि आपकी प्राइवेसी चली गई है, ये खतरनाक ट्रेंड है, ध्यान रखिएगा आप। हाँ, किसी दिन पता पड़ गया ना आपकी एक एक हरकतें। सो आई एम ए प्राइवेट पर्सन, मैंने क्या तैयारी की है, इसके लिए कितनी मेहनत की है, नन ऑफ योर बिजनेस। आपको तो मेरे इससे मतलब होना चाहिए कि आपको मेरा काम ठीक लगा या नहीं लगा। अभी मैंने कान इधर से पकड़ाओ, इधर से पकड़ाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? आई एम नॉट ए पर्सन हु विल ग्लोरीफाई हिज होमवर्क। वो सब मुझे लगता है बहुत ही उच्च स्तर की बात नहीं है। सर, ये जो वेब की दुनिया है, ट्विटर की दुनिया, इंस्टाग्राम की दुनिया, व्हाट्सएप की दुनिया, आप इसे पर्सनली कैसे देखते हैं? क्योंकि हम, जैसे कि आपने ये बताया कि हमें जी में आया, हमने एक सेल्फी निकाल के क्लिक करके ये कर दी। हर नया जो प्लेटफॉर्म आता है, टेक्नोलॉजी आती है, कम्युनिकेशन के फील्ड में अलग अलग डिवाइसेस आती हैं, तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं और धीरे धीरे उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। वो साइड इफेक्ट्स क्या हैं आपको समझ में आ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। ट्विटर की दुनिया है, फास्ट ट्रेवल करती है, लेकिन ट्विटर की दुनिया के अपने भी एक चीज है कि जिसको नहीं भी लिखना वो भी अपने कमेंट देने लगता है। परंतु ट्विटर से कितना लाभ हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, वो किसी दिन बैठ के सोचेंगे। मोबाइल के तो नफा नुकसान सामने आ ही रहे हैं। मोबाइल आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के सेल्स के लिए बहुत डेंजरस हो रहा है। तो ये जो नई डिवाइसेज हैं उनका सदुपयोग करें आप, उनके इतने यूज टू मत बन जाएं कि वो आपकी आपकी जीवन में लायबिलिटी हो जाए, आपको बीमार कर दें। मैं भी ट्विटर के ऊपर जाता हूँ, मैं भी मोबाइल का इस्तेमाल करता हूँ, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छी बात है कि तो मुझे आपको एक फाइल भेजने में यहीं के यहीं आपको व्हाट्सएप, दैट्स द टेक्नोलॉजी। और मैं भी बेसिकली आई एम ए मैन ऑफ साइंस, आई अग्री, लेकिन ध्यान रहे जब परमाणु बम की रचना हुई थी, जब एटम्स को डिसइंटीग्रेट किया गया और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बनाए गए, और साइंटिफिक कोई भी डिस्कवरी या इन्वेंशन मानव जाति के लिए की जाती है, उसके बहुत सारे भलाई तो है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन साथ साथ नेगेटिव इंपैक्ट से हमको बचना है और समझदारी उसी में है। इसके अलावा सर, हाल ही में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कोई ऐसी शॉर्ट फिल्म, कोई ऐसी वेब सीरीज जो आपने देखी हो, आपको बहुत पसंद? नहीं नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट वॉच टीवी, और बहुत ही रेयर है, मैं फिल्म भी नहीं देखता हूँ इस तरह से, मेरे पास टाइम भी नहीं है। और टेलीविजन के ऊपर पहले न्यूज देखा करता था, अब न्यूज में जब से न्यूज नहीं आती डिबेट करते रहते हैं, और वो डिबेट भी हेल्दी नहीं लगती है, डिबेट भी बहुत बाइज्ड लगती है। आपका न्यूज चैनल जब मैं देखता हूं तो बाइज्ड है, कोई भी रैशनल पर्सपेक्टिव के साथ अपनी बात सामने रख नहीं रहा है। अगर आप मिस्टर एक्स के विरोध में हैं तो सारी बातें बकवास किए जा रहे हैं कि मिस्टर, ऐसा पोर्ट्रे किए जा रहे हैं कि मिस्टर एक्स से ज्यादा राक्षस तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और अगर आप मिस्टर वाई के फेवर में हैं तो ऐसी बातें किए जा रहे हैं कि मिस्टर वाई को तो अवतारी पुरुष मान देना चाहिए। तो रैशनल है, ऑब्जेक्टिविटी खो जाती है। जब ऑब्जेक्टिविटी खो जाती है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को ठीक ढंग से उसका निदान नहीं कर पाते हैं। जैसे डॉक्टर होता है, जब वो डायग्नोस करता है तो वो ये सोच, अगर मान लीजिए डॉक्टर साहब की बीवी उनके पास आके बैठ जाए, उनको तो डायग्नोस करना है। बीवी के अगर प्रेम में पड़ के पड़ जाएंगे तो सही डायग्नोस नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा रैशनल पर्सपेक्टिव के साथ, जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा, जब तक उसका विश्लेषण नहीं होगा, तब तक उपाय और निदान मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने न्यूज चैनल को देखना भी बंद कर दिया, बहुत ही बोरिंग लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर सिवाय कीचड़ उछालने के कुछ नहीं होता है। और मैं आपको जनरल पब्लिक की, आई एम ए जनरल पब्लिक, मैं आम आदमी हूं, मेरी ये राय है
कि ये न्यूज वाले कितना बड़ा काम कर सकते थे, और करते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं करते हैं, लेकिन इतना पूरा समाज ही इतना झूठा और आडंबरी हो गया है जिसका प्रभाव मीडिया पे भी पड़ता है। मीडिया बाहर से थोड़े आता है, मंगल ग्रह से नहीं आया, ना मीडिया आया ना नेता आए हैं, हम सब इसी दुनिया के, इसी भारतवर्ष के लोग रहने वाले हैं। तो पूरे जो समाज में जो गलन विगलित हुआ है, समाज जो समाज का डिकेडेंस हुआ है, वो पूरी तरह से हर जगह रिफ्लेक्ट होता है, वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिक्स हो। हमको इस चीज़ से बचना है। तो आपने एक ऐसा निर्माण कर दिया कि अब मीडिया पे विश्वास करने का कैसे मन करेगा, कैसे पॉलिटिशियन के ऊपर विश्वास करोगे। एक्टर्स ने अपने आप को इतना ओपन कर दिया है कि समझ में नहीं आता कि वो कैमरे के सामने रियल है कि पर्सनल लाइफ में भी रियल नहीं है ना। सो ये साइड इफेक्ट्स हैं नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। हमें सोच समझ के चलना चाहिए, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। जी सर, जाते जाते उन सभी जो नेता हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ब्रीडर हैं, जिनकी वजह से एक आम आदमी तो अपने पैसे लगा के दे दिए, उनको प्रॉब्लम होती, उनके उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं उन लोगों के लिए नहीं, उन्हीं लोगों के लिए नहीं, मैं आप सब लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप और हम मिलकर शिकायत करते हैं, नेताओं को दोष देते हैं। नेता हो, मीडिया हो, बाबू हो, अफसर हो, या तुम हो, बाहर से नहीं आए हो, मंगल ग्रह से नहीं आए हो, आप सब इसी समाज के प्रोडक्ट हैं। और क्योंकि आप और हम भ्रष्ट हो चुके हैं, इसीलिए हम भ्रष्ट नेताओं को पार्लियामेंट में भेजते हैं। आज जिस दिन हम साफ सुथरे हो जाएंगे तो हम साफ सुथरे आदमियों को, पाकीजा लोगों को वहां पे भेजेंगे, लेकिन क्योंकि गलाजत हमारे अंदर है और फिर हम दोष देते हैं, अरे साहब हमको मार दिया। अरे भ्रष्टाचारी हम सबके अंदर भरी हुई है, इस भ्रष्टाचारी को दूर करो, जीवन में थोड़ी ईमानदारी अनुशासन लाओ, और अपना वोट अगर जिस दिन तुम धर्म जाति संप्रदाय के आधार पर ही देते रहे और तुमने ईमानदार और सही आदमी को चुन के पार्लियामेंट में नहीं भेजा, तब तक अपनी यही दुर्गति होती रहेगी। ये मेरी बात याद कर लेना, इतना खरा और साफ कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। 29th August को स्ट्रीमिंग होने वाला, उसका प्रीमियर है। इसका तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ऑल्ट बालाजी के प्लेटफॉर्म पर ये डिजिटल जो वेब सीरीज है, आप उसका एंजॉय करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो काफी अच्छा चलेंगे, क्या करना चाहेंगे कि कंट्रोवर्सी का काफी क्रिएट करता है, विवाद भी काफी क्रिएट करता है, तो इस सीरीज से जुड़ना कैसे हुआ और जो अप्रूवल देकर उसको रहते हैं? आपने एक ही बार में इतने सवाल पूछ लिए कि आपका टाइम कम पड़ जाएगा मेरा जवाब देते देते लेकिन फिर भी ये ऑल्ट बालाजी का प्रोडक्ट है जिसका नाम है होम, ये वेब सीरीज है, और ये एक सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित है, जैसे लूजली बेस्ड ऑन दिस थिंग, लेकिन जब आप ट्रू स्टोरी पर आधारित कोई भी शाहकार बनाते हैं तो उसमें सिनेमा का मीडियम का ख्याल रखते हैं कि किस मीडियम के लिए है, वो इस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, उस तरह से स्क्रीन प्ले लिखते हैं, उसका उसको फिल्म या सेलुलॉइड के लायक बनाते हैं। तो ये सीरीज है होम। तो कोई भी अभिनेता हो, जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है तो निर्देशन कौन कर रहा है, निर्माता कौन है, वो जरूर देखता है। नहीं, उनसे मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं होता, मेरी प्रोड्यूसर रूपाली गुहा है। तो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ मेरा। सो इनिशियली वो लोग आए थे, स्क्रिप्ट दे के गए, फिर उन्होंने पूरे सब्जेक्ट की ब्रीफिंग दी। मैं पूरा सब्जेक्ट सुनता हूँ, मैं रोल नहीं सुनता हूँ। तो मुझे लगा कि इट इज वर्थ डूइंग, तो किया। और मुंबई में बात कर ले, मुंबई में पता है कि हर आदमी जो आता है यहाँ पे, ये जो यहाँ लोकल्स भी हैं, घर खुद का घर एक सपना होता है, तो मुंबई में जो हाउसिंग इश्यूज है या हाउसिंग प्रॉब्लम्स है, उसके बताइए, आपने कहीं फेस किया जब इनिशियली आए थे यहाँ मुंबई, तो किस तरह से यहाँ पे रहना हुआ था, किस क्या तरह का आपका अनुभव था, किस तरह यहाँ पे? बहुत बहुत मिनिमम लेवल के ऊपर, इतनी तो बड़ी समस्या दूसरे लोगों की तुलना में मैंने उस तरह से कोई सफ़र नहीं किया है। सर पे छत किसी ना किसी तरह मिल जाती थी, कभी ऐसा होता था कि 2 महीने के लिए मिली है, तो कभी 4 महीने के लिए मिली है, जब तक कि मैं अपना घर नहीं बना पाया खुद का। तो समझ होती है,
इस मुल्क में प्रॉब्लम है, सामने है। सर ये भी पूछना चाहूँगा जो वेब सीरीज कॉन्सेप्ट है, वेब सीरीज कॉन्सेप्ट में अभी देखा जा रहा है कि हाल ही में नुराकर शेट्टी जी ने बनाया था स्क्वायर्ड गेम्स, तो काफी सारा जो होता है कंट्रोवर्शियल पार्ट होता है, लिमिटेशन क्रॉस कर दिया जाता है, तो वो आप कहाँ तक सही कहाँ तक गलत मांगते हैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए दर्शकों का, वो चीज आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? एक प्रोजेक्ट में अगर लिमिटेशन हो तो बेहतर हो जाता है, होम की बात करें तो काफी भाई सेल्फ ही अगर आदमी समझ सके, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा समाज में ही डिसिप्लिन नहीं है। तो अनुराग कश्यप से ये उम्मीद रखना कि वो सेल्फ डिसिप्लिन हो ये तो अच्छी बात नहीं है। अब बची बात, डायरेक्ट आपका सवाल का जवाब दे दें हम, वेब के डिजिटल की जो दुनिया है सेक्स और वायलेंस पे चलती है, लेकिन देखने वाला कौन है? देखने वाले आप हैं, मैं तो नहीं देखता हूँ, ना मैं टीवी देखता हूँ, ना मैं सिनेमा देखता हूँ, ना मैं रेडियो सुनता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे जिन चीजों की तलाश है वो इन जगह मिलेगी नहीं। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, बाकी बची के कितना सेल्फ स्टैंड करना है ये तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है अनुराग कश्यप ने बनाया बहुत कमाल का बनाया, कमाल के उन्होंने उनको रिजल्ट मिले हो, वो अरबपति बन गए हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह से पैसा नहीं चाहिए, ना ही उस तरह का नाम चाहिए, जो समाज के लिए कटिबद्ध हैं, समाज के प्रति अपने आप को जिम्मेदार पाते हैं और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से लेते हैं, सीरियसली लेते हैं। बस वो फेयरलेसनेस पैदा किया है। नहीं भैया, मैं अभिनेता बनना नहीं चाहता था, मुझे मजबूरी में इस प्रोफेशन में आना पड़ा, क्योंकि मैं गरीब घर का बेटा हूँ, मेरी पढ़ाई छूट गई थी, तो मेरे फादर की एक फोक थिएटर कंपनी हुआ करती थी, जब पढ़ाई छूट गई तो उन्होंने मेरी मदर से कहा बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है तो मेरे थिएटर कंपनी में काम करे, तो सुल्ताना डाकू, राजा हरिश्चंद्र और लैला मजनू और शीरी फरहाद और भक्त प्रहलाद और ये इस तरह के नाटक हमको रोज करने पड़ते थे, तो मैं सरकमस्टांसेस की वजह से इस उसके अंदर आया हूँ, और मैं जिस परिवार का हूँ हम तो बेबाक बात करते हैं, मैं किसी इंडिविजुअल की बुराई पे यकीन नहीं करता हूँ कि आपको बोल दिया आप बुरे हो, मैं कह रहा हूँ कि हम सभी हैं, हमाम में तो सभी नंगे हैं, और बेबाक होके बोलता हूँ क्योंकि मुझे अपनी मातृभूमि से प्रेम है और मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं हूँ, और इस तरह के लोगों की कमी है इस देश के अंदर, वरना कोई बीजेपी वाला है, कोई कांग्रेस वाला है, कोई सपा वाला है, कोई बसपा वाला है, कोई सीपीएम वाला है, मुझे इस देश में भारत वाला कोई दिखता नहीं है, और अगर दिखने की कोशिश करते हैं तो उनका पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है, पॉलिटिकल उनका जो अलायंस है, वो उनको तटस्थ भाव से बात करने ही नहीं देता है। अगर आप किसी व्यक्ति के विरोधी हैं तो उसकी विरोधी, एक हमारे दोस्त हैं वो मोदी के विरोधी हैं, बस हर बात नरेंद्र मोदी की उनको बुरी लगती है, मेरे दोस्त को, क्यों क्यों भैया? जब तक तटस्थ भाव नहीं होगा आप ठीक से समीक्षा नहीं कर पाओगे, इसलिए तटस्थ भाव के साथ, तटस्थ भाव मतलब रैशनल ऑब्जेक्टिव होकर सोचो, हर बात तो हर एक में बुरी नहीं हो सकती ना, कुछ अच्छी बुरी हम सब के अंदर कमजोरी, हम कमजोरी के पुतले हैं, लेकिन जितनी जल्दी हम अपनी कमजोरियों को पहचान लेंगे उतनी ही जल्दी अपनी गलतियों से को सुधारने का मौका हमें मिल जाएगा। सर ये भी कहना चाहूंगा कि आपकी फिल्म की बात कर लें, हमने अपने काम किया, फिर आपने डर में भी काम किया था, तो ये जो 90s में फिल्म आती थी चरित्र अभिनेता का अगर रोल छोटा भी रहता तो काफी प्रभावशाली होता था, आज के जमाने की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे अभिनेता जो चरित्र अभिनेता इंप्रूव करते हैं? नहीं नहीं मुझे तो लग रहा है कि आज के दौर में जो ये नए डायरेक्टर्स जो फिल्में बना रहे हैं बहुत अच्छा कैरेक्टर स्कीम रखते हैं, कैरेक्टर स्केचेस अच्छी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, पुराने जमाने में तो हम हीरो के चमचे बन के खड़े रहते थे यार, हम तो एक फिल्म में एक महानायक के चमचे बन के खड़े रहे भैया, नहीं 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 अब तो ज्यादा बहुत अच्छा ओपनिंग मिल गया है, हम जैसे गरीब से कलाकारों को लेकर भी कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोचने लगे हैं फिल्म के, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आ गया है। सर ऐसा कोई मीडियम नहीं जो इसमें आपने काम नहीं किया, रेडियो आप ले लीजिए, थिएटर हो गया, टेलीविजन हो गया, वेब सीरीज की बात करें, आगे क्या ऐसा है जो मतलब आप करना चाहते हैं अलग हटके, अगर एक्टिंग की बात करें या कुछ और अलग? नहीं देखिए मुझे मुझे पहला जो नेशनल अवार्ड मिला था वो डायरेक्शन के लिए मिला था, मुझे माननीय जय बच्चन जी ने मौका दिया था, अमिताभ जी ने, सो मैं वापस उस दिशा की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब
एक्टिंग में सच बोलूं मुझे मजा नहीं आता है, ना अच्छे रोल्स मिलते हैं, ना अच्छी स्क्रिप्ट्स दिखाई देती हैं, ना मुझे किसी डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद आत्मिक संतोष मिलता है। तो मैं अपनी फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूं जहां मेरे पास विजन की लिबर्टी होगी, जहां मैं सब्जेक्ट के हिसाब से फ्रेम लगाऊंगा, उस हिसाब से स्क्रिप्ट लिखूंगा, उस हिसाब से डायलॉग लिखूंगा। सो मेरी जीवन का जो भी 46 इयर्स का निचोड़ है, जो मैंने अपने देश को देखा है, विदेशों को देखा है, अपने जीवन का अनुभव मनोरंजक तरीके से, साथ साथ कहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखते हुए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, इस तरह की चीज़ों को सामने लाने की कोशिश करूँगा। आपने कुछ पाइपलाइन में है, जब हो जाएंगे तो बताऊंगा, अभी से क्या बताएं।